हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बायोलॉजी वाला चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में आप बताइए। डायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो आपके सिलेबस में जितने भी लार्वल स्टेजेस हैं, उसके लिए एक वीडियो मैंने आपको बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसमें आपको करीब 20 तरह के लार्वा के बारे में बताया गया है। और ये जो लार्वा, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिए गए, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन लार्वा को यहाँ से आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। मैंने आपको फाइलम वाइज, टॉपिक वाइज और एनिमल वाइज डिवाइड करके इन लार्वा के बारे में बताया है। तो अलग अलग फाइलम में जो लार्वा हैं, उनके नाम आपको याद करने हैं, और साथ ही साथ किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनके बारे में आपको याद करना है। साथ ही कहाँ कहाँ पर लार्वा नहीं पाए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो इस वीडियो को देख के आप अपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में। और जितने भी लार्वा पूछे जा सकते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में, सभी लार्वा का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के में आपको दिया गया है। तो इसका लिंक मैंने यहाँ पर आपको दिया है, इस लिंक पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।